बाघ एक असाधारण सुंदर प्राणी है जो पराक्रम और शक्ति से भरा है। ये भारत के मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भागों में पाया जाता है। इन्हें राजस्थान के जंगलों जैसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। मध्य भारत में कान्हा और बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों में भी बाघ पाए जाते हैं। वे पश्चिम बंगाल में नीरा घाटी में हिमालय की तलहटी के साथ साथ अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर भी बाघ रहते हैं, जो सुरक्षा की मजबूत वास्तुकला प्रदान करता है। आइए आज सरिस्का के जंगलों के बीच बाघों की ओर रुख करते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। बाघ के कम संख्या होने के कारण सरिस्का के जंगल में हिरण की तादाद काफी बढ़ गई है। इससे बाघों के लिए शिकार करना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितनी आंखें उतनी शिकार को आगाह करने वाले। काफी शोधकर्ताओं के मुताबिक बाघ जब अपने पंजे को चाट के साफ करते हैं तो इसका मतलब है कि वो शिकार के लिए तैयार हो रहे हैं। बाघ आमतौर पर रात के शिकारी होते हैं। उनकी रात की दृष्टि हमारी तुलना में 6 गुना तक अधिक है। बाघ अवसरवादी भी हैं, जिसका अर्थ है कि खाना दिन के समय उपलब्ध होने पर वो मौका नहीं गंवाएंगे। बाघों के पास बड़े गद्देदार पैर होते हैं, जो उनके लिए चुपचाप बिना किसी आवाज के अपने शिकार के नज़दीक जाने में मदद करता है। एक बाघ के पिछले पैर उसके सामने के पैरों से अधिक लंबे होते हैं, जिससे उन्हें एक छलांग में 20 से 30 फीट की दूरी लगाने की क्षमता मिलती है। अब 10 से 20 प्रयासों में बाघ शिकार केवल एक के बार में ही सफल होता है। एक वयस्क बाघ एक बार में 40 किलो तक का मांस खा सकता है और अक्सर अपने मारे हुए शिकार के साथ रह सकता है या फिर उसे वापस लौटने तक दफन कर सकता है। ये 4 या 5 दिनों के लिए फिर से शिकार नहीं करता है।